दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपतियों में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय जगत में गूंज रहा है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने एक फैसले में पुतिन को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के नियमों के मुताबिक मंगोलिया रूसी राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के लिए बाध्य है। मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। उनकी यात्रा जापानी सेना पर सोवियत मंगोलियाई सैनिकों की संयुक्त जीत की 85वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। 2019 के बाद से पुतिन की यह पहली मंगोलिया यात्रा भी है। इसी साल मार्च में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। आईसीसी का मानना है कि राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आईसीसी ने यह आरोप भी लगाया है कि यूक्रेन के सैकड़ों बच्चों को अनाथालयों और बाल गृह से रूस लाया गया है, जिससे रूस में रह रहे परिवार उन बच्चों को गोद ले सके। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है और आईसीसी की वैधानिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ये सब कानूनी प्रावधान है, ऐसा करना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। खुद रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा है कि उसको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि मंगोलिया राष्ट्रपति पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है। क्रेमलिन ने यह कहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मंगोलिया के हमारे दोस्तों से हमारी बातचीत हो चुकी है। हालांकि रूस अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता। इस बीच यूक्रेन ने मंगोलिया से अनुरोध किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश का पालन करे और पुतिन को गिरफ्तार करे। उसने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मंगोलिया की सरकार ये मानेगी कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है। मंगोलिया की सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। अब देखना यह होगा कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिना हिरासत में गए वापस रूस पहुंच पाएंगे।